इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हमेशा से इस बात को कहती आई है कि अविलंब एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेना चाहिए। कम से कम हर महीने नेता एक साथ बैठेंगे। इसलिए हम एनडीए नेतृत्व से अनुरोध करते हैं कि अविलंब बिहार एनडीए के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर लिया जाए जिससे सरकार सुचारू ढंग से काम कर पाए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की मांग इस वक्त हम पार्टी की तरफ से की गई है। आपको बताएं कि अग्निपथ योजना को लेकर जो हंगामा बिहार में हो रहा है, इसकी आग जो है वो अब एनडीए तक पहुंच चुकी है और यही वजह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच लगातार बयानबाजी की जा रही है, एक दूसरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही के कारण ये हंगामा बिहार में हो रहा है और बीजेपी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में हम पार्टी का साफ तौर से कहना है कि इस तरह से तो सरकार खतरे में आ जाएगी और इसलिए ये बेहद जरूरी है कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए ताकि हर महीने बैठक हो और इस बैठक में लोग अपनी मन की बातों को सामने रख सके और परेशानी का हल निकाला जा सके। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है हम के प्रवक्ता दानिश रजवान का। देखिए, एक तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है और दूसरी तरफ सरकार के कामकाज पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इससे विवाद उत्पन्न होगा। इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हमेशा से इस बात को कहती आई है कि अविलंब एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेना चाहिए। कम से कम हर महीने नेता एक साथ बैठेंगे तो जिनके दिल में जो बात है उस बैठक में निकलेगी तो, लेकिन जिस तरीके का माहौल लगातार एनडीए के भीतर बन रहा है वो राज्य के सरकार के लिए भी और गठबंधन के लिए भी कहीं से ठीक नहीं है। इसलिए हम एनडीए नेतृत्व से अनुरोध करते हैं कि अविलंब बिहार एनडीए के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर लिया जाए जिससे सरकार सुचारू ढंग से काम कर पाए। आपको कि केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई योजना अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी जो है वो खुलकर सामने आ रही है तो वहीं जेडीयू इस योजना पर ही सवाल उठा रही है और जेडीयू का कहना है कि केंद्र सरकार को अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी का सिलसिला बिहार में देखने को मिल रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और साथ ही अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड का यह कहना है कि जिस योजना के विरोध में आज देश की जनता चली गई है इसे देखकर बीजेपी ने अपना संतुलन खो दिया है और यही वजह है कि अनाप शनाप बातें बीजेपी की तरफ से कही जारी है। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो इस बयानबाजी का असर जो है वो गठबंधन पर पड़ सकता है और यही वजह है कि चिंता जाहिर की है हम पार्टी ने और गठबंधन बचाने को लेकर एक बड़ी अपील की है जितिन राम मांझी की पार्टी हमने, जहां पर यह कहा गया है कि जल्द से जल्द कमेटी बनाई जाए ताकि ये तमाम जो समस्या है उसको लेकर बैठकर विचार किया जाए और इस परेशानी से निकला जा सके। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।